बहुत धन्यवाद। रिको पर आज मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को कि प्रतिवेदन पर ये चर्चा करा रहे हैं, ये अच्छी शुरुआत है, उसके लिए तो मैं सरकार का अभिनंदन करूँगा और धन्यवाद भी दूँगा। अभी मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि ये जो कॉरपोरेशन है इसका वैसे तो 55 साल हो गया, 45 साल तो रिको के रूप में है, उससे पहले मिनरल्स और रिको दोनों मिलकर के थे, तो इसकी 55 साल की हिस्ट्री अगर हम देखें माननीय सभापति महोदय, तो उसमें मैं ये निवेदन करूँगा कि 55 साल में जितना इनको काम करना चाहिए था कंपनी ने, ईस्ट कॉरपोरेशन ने काम नहीं किया। उसके राजनीतिक कारण रहे होंगे, आर्थिक कारण रहे होंगे, क्या रहे होंगे मुझे पता नहीं। तो सबसे पहले तो मेरी माननीय सदस्य अजमेर से जो आती हैं उनको मैं संशोधित करना चाहूँगा। उन्होंने 4000 हेक्टेयर ज़मीन बताई थी कि साहब इन्होंने अवाप की है। इन्होंने कॉरपोरेशन बनने से लेकर अब तक 92,629.24 एकड़ भूमि इन्होंने अवाप की है, उसमें से विकसित जो की है वो 51,299 जो है 0.51 एकड़ भूमि की है। जो इनका लास्ट प्रतिवेदन है 2023-24 का, उसके आंकड़े हैं। अर्थात कहने का मतलब सभापति महोदय ये है 41,329.73 एकड़ जमीन आज भी अविकसित पड़ी है। उन किसानों की जमीन जो गरीब थे, सरकारें आई और गई, उन्होंने जमीनें अवाप्त कर ली और जमीनों को वहां पटक दिया, या तो वो जमीनें खुर्दबुर्द हो गई या जमीनों पे कब्जा हो गया। उन गरीब किसानों का बेचारों का क्या दोष था कि इन सरकारों ने लगभग 41,300 मतलब यानी 50% के करीब जमीन तो अविकसित, माननीय मंत्री महोदय मैं सभापति महोदय के माध्यम से करना चाहूँगा, पड़ी है। तो प्रथम तो आपसे आग्रह करूँगा इसकी जांच करवाएं कि ये जब से ये कॉरपोरेशन बना तब से लेकर ये भूमि गई तो गई कहाँ, किन किन लोगों ने इसको खुर्दबुर्द किया। तो मुझे लगता है कि उन गरीबों के साथ न्याय होगा जो अन्याय हुआ। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जो मूल उद्देश्य था वो था MSME को भी साथ साथ डेवलप करना। एक हमारा सौभाग्य है जो इसके अभी वर्तमान माननीय मंत्री हैं, ये केंद्र में भी मंत्री रहे, वहाँ का अनुभव भी है और युवा भी हैं, अब यहाँ भी मंत्री बन गए, तो हम मुझे लगता है कि MSME को किस तरीके से हम यहाँ डेवलप कर सकते हैं इस रिको के माध्यम से, उस पर इनको फोकस करना चाहिए। क्योंकि जो GDP है स्टेट की, उस GDP में उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर राजस्थान को अपने को विकसित करना है, राजस्थान की GDP को बढ़ाना है, तो इस ओर हमें, मैं सोचता हूं कि ध्यान देना पड़ेगा। अब औद्योगिक व्यापार कैसे बढ़े, औद्योगिक व्यापार कैसे बढ़े, उस पर भी आपको स्टडी करवा करके, क्योंकि इसका मूलभूत उद्देश्य जो था वो जमीन खरीद करके बेचना नहीं था। अब क्या है अध्यक्ष महोदय, चाहे JDA है, चाहे रिको है, चाहे हाउसिंग बोर्ड है, इनका काम हो गया जमीन खरीद के बेचना, लाभ कमाना, और ये अपने खाता बही में लाभ दिखाते हैं। तो ये कोई प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी है, ये कॉरपोरेशन है गवर्नमेंट का, जो जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए बनाया गया, उस उद्देश्य से भटके नहीं। ये मेरा आग्रह आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम यहाँ राजस्थान में इन्होंने अभी तक 413 क्षेत्र विकसित किए हैं, अगर उनको भी मैं आपके माध्यम से करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को, और सौभाग्य है कि यहाँ शायद चेयरमैन भी दर्शक अधिकारी दीर्घा में बैठे हैं, वो भी सुन रहे होंगे और वो भी नोट करवा रहे होंगे। ये 413 जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, इनको जो हमारे जितने उपखंड हैं उनमें सब में विकसित करने का काम सरकारें कर रही थी, लेकिन वो काम आज तक अधूरा पड़ा है। अगर आप इनको देखो तो हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा। जो लोन जो दिया है, अगर इनके लोन डिस्पर्समेंट को देखें, 93 करोड़ रुपए 8 करोड़ की पॉपुलेशन में, और 3,42,000 मतलब जो है किलोमीटर का राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जिनकी अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। अगर आप बाड़मेर जाएंगे, जैसलमेर जाएंगे, तो 100 देशों से बड़ा ये संसदीय क्षेत्र है माननीय सभापति महोदय, और आप बूंदी जाएंगे तो सबसे छोटा जिला है, उससे भी छोटा प्रतापगढ़ जिला है। तो मेरा कहने का मतलब, प्रतापगढ़ में कौन से रिको का नियम लागू होने चाहिए और बाड़मेर जैसलमेर में कौन से होने चाहिए, ये इनको एक नीति बना करके इनको काम करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, स्थापना से लेकर के आज तक इन्होंने 3,981 करोड़ रुपए जो है ऋण स्वीकृत किया। अगर इनका गैप भी देखेंगे,
इन वर्षों का गैप भी देखेंगे, स्वीकृति के बाद में भी वितरण में 1,000 करोड़ का अंतर इस इनके प्रतिवेदन में आया माननीय सभापति महोदय। तो ये 1,000 करोड़ रुपए मतलब सेंक्शन होने के बाद में वितरित नहीं हो रहे हैं, और तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है माननीय सभापति महोदय। जैसे मैंने कहा कि ऊँट के मुँह में जीरे वाला काम, माननीय सभापति महोदय एक ERCP की बड़ी, माननीय मंत्री जी चले गए वो, मैं बोलना चाह रहा था, ERCP की बड़ी चर्चा होती है सर, उद्योग के लिए पानी बिजली सड़क सब चीज़ें चाहिए, आधारभूत सुविधाएं। राजस्थान में सबसे बड़ी पानी की कमी है, और ये जो 21 जिले हैं वर्तमान उनमें से 13 जिले जिसमें 80 विधानसभाएं हैं उसमें चंबल का पानी आता है। मैं आपको आंकड़े दिखाना चाहूँगा क्योंकि माननीय उद्योग मंत्री जी आपसे और माननीय मंत्री जी से दोनों से, क्योंकि उद्योगों के लिए पानी चाहिए। और आज हमारा जो कोटा बेरा जो हमारी चंबल है, चंबल का धौलपुर CWC गैस साइट है, उसका अगर पिछले 30 साल की स्टडी आप करेंगे तो उसमें लगभग 19,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी चंबल में एक्स्ट्रा बह करके चला जाता है, और आप ERCP में सिर्फ 3510 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का मतलब जो है यूज ले रहे हो, और आपके हिस्से में आ रहा है 3921 मिलियन क्यूबिक मीटर। इसलिए जो DMIC जिसकी बात करते हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें 286 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आप ले रहे हो। तो मेरा आग्रह है कि जो ये वेस्ट जा रहा है धौलपुर में, उस पानी को रोको और राजस्थान में इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए जयपुर तक उस पानी को दो, तब जाकर के आपकी इंडस्ट्री डेवलप होगी, नहीं राजस्थान में इंडस्ट्री नहीं लगाएगा। माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है, राजस्थान में ये मिनरल्स के साथ क्यों था, मैं बात करूंगा सिरामिक और विट्रीफाइड टाइल का एक उदाहरण दूंगा माननीय मंत्री महोदय। इसमें पोटास सोडा और चाइना क्ले और क्वार्ट्ज काम आता है, ये पूरा का पूरा, पोटास होता है भ्यावर में और सोडा होता है अजीतगढ़ ये अपने यहाँ भीलवाड़ा में, क्वार्ट्ज होता है भीलवाड़ा उदयपुर बांसवाड़ा में, और चाइना क्ले होती है नागौर में। ये हमारा सारा रॉ मटेरियल, ये सारा रॉ मटेरियल मोरवी जाता है, और मोरवी के अंदर 1,000 फैक्ट्रियों में विट्रीफाइड टाइल बनती है। तो राजस्थान के पास सारा सामान पड़ा है, तो राजस्थान इसको क्यों नहीं डेवलप करे, आपका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट डेवलप करे। उसके लिए मेरा एक सुझाव है आपको माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से, कि ये जो नेचुरल गैस है ये राजस्थान से होकर के गुजर रही है, और चित्तौड़ के अंदर अपन ने एक छोटी सी जगह आइडेंटिफाई की है, उसमें सोनिया नाम है गैस आधारित प्लांट लगाने की, आपने एक कंपनी की आपकी इस रिपोर्ट में माननीय सभापति महोदय सरकार ने कहा। मेरा ये कहना है कि वहाँ पर अगर आप गैस दे दें तो ये जो विट्रीफाइड टाइल गुजरात मोरबी में बन रही है ये राजस्थान में बनेगी, राजस्थान का बेचारा जो कच्चा माल देने वाला व्यक्ति है उसको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए ये चित्तौड़ में, क्योंकि ये गैस प्लांट गुजरात से आगे जा रहा है दूसरे प्रदेशों में, उसमें आपको वो हिस्सा मिल रहा है, तो उसमें आप रुचि लेकर के इस काम को करने का प्रयास करें। मैं मानिए बस 2 मिनट लूंगा सर, मैं कोई बाहर नहीं बोलूंगा, मैं कोई सोनियाना मेरे दवाई बनाया हुआ नहीं वो माने बस मैं कोई इसके बाहर नहीं जाऊंगा सर, मैं एक लाइन नहीं, मैं तो सुझाव भी दे रहा हूं, बाकी मानना नहीं मानना सरकार के हाथ में। मेरा ये मानना है कि ये बुरसा ज्वेलरी बुरसा अपन सुन रहे हैं, मान आप भी भरसुन जी के साथ में, आप में से बहुत सारे बैठे हैं जो विधायक रहे हैं और भरसुन जी को अपन सब जानते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल पार्क है इसमें भरसुन जी वो ज्वेलरी का एक बुरसा मतलब जिसको बोलते हैं वो डेवलप करना चाह रहे थे, वो आज तक आपकी रिपोर्ट में जब मैं कल माननीय मंत्री महोदय पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि अभी भी उसमें अपन ने थोड़ी सी जमीन दी है। तो ये ज्वेलरी का काम राजस्थान में बहुत है और इसमें आप रुचि लेकर के आप करेंगे तो, चूंकि आप जयपुर से विधायक भी हैं सांसद भी रहे हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, आपके पास विभाग भी है, तो मुझे लगता है कि आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने अनुभव के आधार पर कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में आप रहे हैं तो दिल्ली में जो MSECDP जो है केंद्र के द्वारा जो सहायता दी जाती है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट की, उसका आप देखिए, मैं एक नमूना बताना चाहूँगा सभापति महोदय, 36 परियोजनाएँ मतलब जो है यहाँ आई, और उनमें आप देखिए कि सिर्फ 106 करोड़ रुपए भारत सरकार के पास पैसा पड़ा है, पैसा लेने वाला नहीं है। तो इसलिए MSECDP को आप इसको डेवलप करिए, क्योंकि आप केंद्र में आपके अच्छे रिश्ते हैं, दोनों डबल इंजन की सरकार है और उसका फायदा मिल सकता है, उधर अपने को बढ़ना चाहिए, ये मेरा आपको सुझाव। मैं मानिए भिवाड़ी के बारे में जब मैं मंत्री था सड़क की एक इश्यू आया जिसमें CETP बनना था, उस वो CETP जब बन रहा था जब 2003 में हम MLA बने
और आज 2024 में हम बात करें, यानी इतने साल तक वो सीटीपी बिहड़ी का बन रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? बिहड़ी आपका बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि एनसीआर में आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, तो राजस्थान को इसका लाभ लेना चाहिए। चूंकि डीएमआईसी भी आ रहा है, आपके पास एक्सप्रेस वेज बन गए, और ये जो पूरा एरिया जिसमें आपका ईआरसीपी आएगा, यहाँ आप इंडस्ट्री ला सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्सप्रेस वे बन गए। और दूसरा एक्सप्रेस वे जो हमारा उधर से आता है, पंजाब से और गुजरात जाता है, इन दोनों एक्सप्रेस वेज पर आप जो है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करिए। मैं लास्ट में बात खत्म करने से पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहूँगा कि ये जो गैप आया, मैंने देखा भी क्यों आया, ये गैप आया क्यों आया, एक कारण तो मुझे नज़र में आया, इसके जो भी चेयरमैन बनते हैं वो मुख्यमंत्री के सचिव भी होते हैं, मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, एसीएस टू सीएम, तो ऐसी मैं बोल दूँ तो मेरा ये कहना है कि उनके पास टाइम नहीं होता है। आप भी जानते हो एसीएस सीएम के पास कितना टाइम है, एसीएम सेक्रेटरी के पास। अब वो चेयरमैन बन गया लेकिन उसके पास काम नहीं है, पिछली सरकार में यही हुआ, वही तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम और वही इसका चेयरमैन, उनको मीटिंग करने का ही समय नहीं है, क्योंकि हर विभाग को वो खुद देखते थे, इसलिए क्योंकि उन्हीं के मंत्री ने कहा कि साहब उन्हीं को दे दो मेरा विभाग। तो मेरा कहना है अब की बार मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने सेपरेट चेयरमैन बनाया, और मैं इनकी माननीय भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को भी सेकंड करूंगा कि उनको टाइम दीजिए। और मुझे जहाँ तक मैं लिस्ट देखी है, जो वर्तमान चेयरमैन है, काबिल अफसर हैं, उनको समय दीजिए, और आपके साथ अच्छी बनकर के टीम काम करेगी तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। और दूसरा मैं आपसे बस लास्ट निवेदन ये करूँगा कि जैसे मैंने कल डीडवाना के बारे में माननीय मंत्री महोदय मैंने निवेदन किया, तो ये जब माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी उस समय ये अलॉटमेंट हुए थे, तो 124 प्लाट हुए। मैंने मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, तो क्या हुआ उसमें से बाकी प्लाट क्या होता है, ये जब भी अपन रिको काटते हैं तो उसमें बाहर के प्रवासी लोग और प्रॉपर्टी का काम करने वाले आकर के खरीद लेते हैं, क्योंकि उन जमीनों के भाव बढ़ जाते हैं, और वो लोग न तो इंडस्ट्री लगाते, वो तो ये देखते हैं इस प्रॉपर्टी का भाव कब बढ़े। तो कम से कम अब चेयरमैन और आप बैठ करके इस बात को सुनिश्चित करें कि रियल में जो इंडस्ट्री लगा रहा है उसी व्यक्ति को ये प्लॉट मिले, जब राजस्थान में जाकर के ये इंडस्ट्री डेवलप होगी। मैं बात को समापन करने से पहले बताऊंगा कि आज भी 56 भूखंड ऐसे हैं जो दिल्ली के लोगों ने ले रखे हैं, बार बार रिको वाले उनको नोटिस भेजते हैं, वो नोटिस ही नहीं लेते, और जब तक नोटिस तामिल नहीं होगा तब तक आप कैंसिल नहीं कर पाओगे, फिर जब उनको भाव मिलेगा वो बेच जाएंगे, जो खरीदेगा वो आकर के मंत्री जी के और चेयरमैन साहब के हाथ जोड़ेगा कि साहब हमारे को ये दे दो। यहीं पर मेरी बात को मैं पूर्ण विराम देते हुए ये निवेदन करूंगा कि ये सिरामिक और विट्रीफाइड का जो मैंने सुझाव दिया, क्योंकि उस जिले से मैं आता हूँ, लोग जुड़े हुए हैं, हमारे लोग भी मोरबी में बहुत सारे काम कर रहे हैं, मेरे पास सुझाव तो बहुत थे, चूँकि समय का अभाव है आप बार बार कह रहे हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो रिको है ये MSME को भी साथ ले, और इसके अलावा भी चूँकि माननीय मंत्री जी इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो भी अपना ही बेबी है, उसको भी आप लैंड कन्वर्जन करने का, लैंड यूज चेंज करने का मौका दीजिए। रिको तो एक छोटी जगह को डेवलप करेगा, लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री लगाते हैं, ये खाली कहने का ही है माननीय मंत्री महोदय, आप पर नहीं है क्योंकि आप तो अभी नए मंत्री बने, ये सिंगल खिड़की कुछ नहीं है, ये एक स्लोगन है, और ये स्लोगन आपकी सरकार पर लागू नहीं होता, मुझे उम्मीद है आप युवा और डायनेमिक को काम करोगे, और चेयरमैन भी मुझे उम्मीद है कि अच्छे चेयरमैन है, मैं कोई उनकी बढ़ाई के लिए, क्योंकि दर्शक दीर्घा में बैठे नहीं बैठे मुझे पता नहीं, लेकिन ये टीम मिलकर के काम करेगी तो राजस्थान को इसका फायदा होगा। और इसमें बस अध्यक्ष महोदय, बाकी जो इन्होंने प्रतिवेदन में जो चीजें लिखी हैं उन विषयों को मैं टच नहीं करूंगा, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि प्रदूषण बोर्ड का जो दो एक्ट हैं, एक तो माननीय अध्यक्ष महोदय एयर एक्ट है, और एक मिनट बस लास्ट मेरा से, एक तो एयर एक्ट है और एक जो है वाटर एक्ट, इन दोनों का बहुत ज़्यादा वॉयलेशन होता है, इसलिए इंडस्ट्रीज वाले परेशान होते हैं, उसका सीवरेज मतलब ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक हो जाए, और जो गंदा पानी है उसको किस तरीके से शोधित करके और बाहर भेजा जाए जिससे लोगों के पर्यावरण के भी दुष्प्रभाव नहीं पड़े, इस पर भी सरकार ध्यान दे। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय आदुराम मेघवाल।